हेलो जी, क्या हालचाल, क्या हालचाल। मैं डिंपल हूँ आपके साथ और मैं आ गई हूँ आपके पास बिल्कुल इन योर ओन शो ऑल इज वेल, जहाँ हम करते हैं सोशल टाइप बातें और बहुत सारी चर्चाएं दुनिया की गतिविधियों के बारे में। अब वो गतिविधियाँ तो कुछ भी हो सकती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई सोल्यूशन है, तो कहीं कोई मस्ती है। इन सारी बातों पे वाद विवाद और बहुत सारे तीखे मीठे से और चटपटे से अंदाज, इन सबको मिला के बनता है ऑल इज वेल। और हाँ, यहाँ पे होती है बहुत सारी सिरफिरी बात। और इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ आपके साथ ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ टाइम। कभी कभी लगता है कि हे भगवान, ये चेहरे पे इतना पसीना, इतना ऑयल आ जाता है कि बस इन्हीं को आप रोटियों पे लगा के खा सकते हैं। खैर, इन सबसे दूर दुनिया अपने में ही मस्त है, पता है क्यों? कहीं कुछ बातें, कहीं कुछ बातें, कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, पर मैंने ना कुछ और ही फील किया है। पहली बात तो बहुत सारा थैंक यू गाइस, बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि जब मुझे मिलता है आप सबका ढेर सारा प्यार तो दिल एकदम हो जाता है बाग बाग। और मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँ तो बस यही कहना चाहूंगी कि भाई, आप सबके ईमेल्स और आप सबके मैसेजेस ने दिल खुश कर दिया है। और हाँ, मुझे उतनी ही खुशी हो रही है आप सबकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने में। लेकिन कमाल की बात मैं आपको बताऊँ तो आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब सेम टॉपिक पर, यानी सेम दिक्कत पर और सेम बातों पर इतने सारे मैसेजेस आ गए कि मैं भाई बहुत देर तक हंसती रही और मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो बात है क्या, पर उससे भी पहले मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ, थोड़ा सा रुक जाती हूँ, आपको सुनाती हूँ एकदम निंजैक वाला सॉन्ग। तो बस आप इसे एंजॉय कीजिए और वापस लौट के आइए मेरे पास। बशर इश्क दा चंगा है असर, कर ले खुद से ही प्यार बंदेया, है जहां की तुझको खबर, खुद से है पर तू बेखबर, लल अपनी बीजार बंदेया, गिरा दीवाने लगा ललकारे, इश्क दी मस्ती दे विच सोवे दे जागे। Thank you.
धुड़की धुड़की लागे, धुड़की 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 लागे, धुड़की 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 लागे। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। नशा हूं मैं, बहकने दो तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना।
ख्वाहिशें, सपने और बहुत सारी उम्मीद, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है मेरे दोस्त। वेलकम बैक इन नॉलेज वर्ल्ड, मैं डिंपल हूँ आपके साथ ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, ये जो सपनों की फ्लाइट होती है ना, ये हमेशा ही उड़ती रहती है। नो फ्यूल, नो कॉस्ट एंड नथिंग डियर। ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसके लिए आपको कभी पे नहीं करना पड़ता है। खुली आंखों से भी आप सपने देख सकते हैं और सपने देख सकते हैं बंद आंखों से भी। सपने ना देखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ये सपने पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन सपनों की वजह से ही थोड़ा हम इतने रिलैक्स फील करते हैं, हम इतने खुश रहते हैं और इन सपनों की ही बदौलत हम नए सपने भी देखते हैं। अब इन सपना और सपनों के बीच का सफर मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास तो इतने सारे, इतने झोली भर के, मतलब एकदम बॉक्स वॉक्स भर के, झोली झाली भर के इतने सारे मैसेजेस आए हैं और इन सब में कहीं ना कहीं ये मुझसे बयां किया गया कि भाई हम अपने ड्रीम बॉय और ड्रीम गर्ल के बारे में जैसा जैसा सोचते हैं, क्या हमें कभी ऐसा मिल सकता है? क्या ये कोई वजह हो सकती है जिसके कारण हम खुश रहें? तो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, ऑल इज वेल यार। आप सपने देखोगे नहीं अपने फ्यूचर के लिए, तो फिर वो सपने पूरे कैसे होंगे? और अगर सपने नहीं देखेंगे तो फिर आप पूरा करने की कोशिश भी क्या करेंगे? सोचिए, वही तो लाइफ है। पढ़ाई आप कर चुके हो और जॉब अभी आपको मिलने वाली है या फिर मिल चुकी है। अब इन सारी चीजों के अलावा भाई, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनको जिनके पार्टनर्स मिल चुके हैं, वो अपनी अलग ही दुनिया में मस्त हैं। लेकिन उनका क्या बड़खुदार जिनके पास कोई पार्टनर ही नहीं है। तो ऐसे लोगों ने जब मुझसे अपना दर्द बयान किया तो मेरे अंदर का वो जो छोटा मासूम और वो जो नालायक सा बच्चा है ना, सडनली उसके अंदर एक कीड़ा आ गया। तो बस निकल पड़ी मैं भी एक नए सफर पे, लोगों से पूछने कि मेरी प्यारी बहनों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, जरा ये तो बताइए कि आपको कैसे पार्टनर चाहिए। पर मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज थी, तो मैंने ना एक सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना पहले मैं उन लड़कों के पास जाऊं जिनके सपनों का घर उनसे कह रहा है कि भाई कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल। तो बस निकल पड़ी मैं पूछने कि भाई कैसी चाहिए आपको आपकी ड्रीम गर्ल और कैसे कैसे चाहिए आपको अपने लाइफ पार्टनर्स। इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं बस यू गई और यू वापस आई। बस बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए मेरे यानी डिंपल के साथ और सुनते रहिए ऑल इज वेल, क्योंकि अभी असली मुद्दा तो खड़ा होना बाकी है ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कोई भी कहे कुछ भी, यहाँ मैंने तो कभी सुना कहा दिल ने
गल सुनियो वे रात दी गल सुनियो वे कोई ना चार चुफेरे पिछे ना मुड़ियो वे पिछे ना मुड़ियो वे राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे और मंजिल हसे वे आहट से डरियो से
डर और चिंता दो ऐसे सांप हैं जिनके डसने पे इंसान एक साथ नहीं धीरे धीरे करके रोज रोज मरता है। अरे भाई ये ज्ञान की बात है, फ्री में दे रही हूँ, एकदम बैग में पैक करके रख लो। वेलकम बैक है जी, वेलकम बैक इन रेडियो उड़ान अ फाइट ऑफ लाइफ। मैं डिंपल हूँ आपके साथ और शो चल रहा है ऑल इज वेल। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसी थी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और यकीन मानिए उन सब ने कहीं ना कहीं दिल की बातों का बयान करना मुझे इतना भा गया कि मेरे अंदर का भी शैतान जाग उठा और मैंने जाकर लोगों से पूछा कि भाई कैसी पार्टनर चाहिए आपको। कमाल की बात थी और यकीन मानिए लोगों ने दिल खोलकर अपने जज्बातों को बयान किया। तो मैंने ये ऑपरेशन ना इस बार तो सारे छोरों पे आजमाया कि भाई क्या है क्या नहीं है, जरा सुनते हैं ऐसे ही लोगों की बातें और इनके जज्बातों को समझने की कोशिश करिएगा, इनके वर्ड्स पे मत जाइएगा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ मनदीप, मैं मेरा लाइफ पार्टनर खूबसूरत चाहना तो हाँ, बट उसके साथ साथ वो मेरे घर के काम में भी हाथ बटावे और सबका मान करे, छोटे बड़े का लिहाज भी करे और पढ़ा लिखा भी हो गए हो, जिस करके मैं आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सका और जो जो आमदनी आवे पैसे आवे उन्हों घर के काम में लगावा, जो कोई लोड हो तो काम में भी आ जावे वो पैसे। और मैं ये चाहना कि भाई वो सब का मान करे, मेरे बेबे नाल आदर से काम करे और वड़े तो आदर देवे। और मैं ये चाहना कि वो मेरे नाल खड़ के सारी प्रॉब्लम नू फेस करे और बस सबनु सुख रखे, खुश रखे, करना काम करे, आदर दे, मान सम्मान करे, बस यही चाहना। सत श्री अकाल जी। ओ जी ठीक है, पर मुझे एक बात नहीं समझ आई है मनदीप जी कि भाई आदर करे आदर करे और इतना सारा आदर करे और मान दे फिर बहुत सारा मान दे। चलो जी, अपनी अपनी पसंद है और अपनी अपनी लाइफ पार्टनर है और लाइफ पार्टनर्स के लिए सपने देखने का हक तो भाई कोई छीन ही नहीं सकता। वापस आइए इस गाने के बाद, सुनाती हूँ और बहुत सारे लोगों की मन की बात, ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जो तो मैं हूँ तेरे ख्वाबों की आँच में, जो तो मैं हूँ तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तेरे मुझ में क्या है, जिसको जियूं जिसमें रहूं, तुझ में ही दुनिया मेरी है, तेरे एक पल में सदियां मेरी, बिन तेरे मैं सहरा सा हूं, बिन तेरे मैं खतरा में।
भी तेरे हाथों में किस्मत सा हूँ बिखरा हुआ। तू मेरी रूह सा है, तुझको छूके मैं जिंदा लगूं। जब भी मैं मुझको देखूं, मुझ में भी मैं तुझ सा लगूं। तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना। तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। वेलकम बैक ऑन रेडियो उड़ान, मैं डिंपल हूँ आपके साथ। और हाँ, ये शो है आपका अपना सोशल टाइप शो, जहाँ पे आप सारी ही प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पाते हैं। सो गाइस, ये शो है आपका अपना ऑल इज वेल। और हाँ, आज ना मैंने सारे कुंवारे लड़कों की ना सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की पूरी पूरी कोशिश की है और सब कुछ ऑल इज वेल करने की कोशिश की है। भाई सीधी सी चीज है ना, मैं निकल पड़ी बस ये जानने कि हर लड़के को कैसी ड्रीम गर्ल चाहिए, आखिर वो लड़कियों में ऐसी कौन सी खूबियां जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और पाना चाहते हैं जो उनके लाइफ पार्टनर्स के अंदर हो। ऐसे ही चलते चलते इन्हीं सवालों के साथ मैं मिली एक भाई साहब से। तो भाई उन्होंने इतना प्यारा शायराने अंदाज में जवाब दिया कि मैं तो सुनती रह गई कि वाओ क्या बात है। जरा आप भी तो सुनिए कि ये भाई साहब कहते क्या हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड मेरी लाइफ की प्रायोरिटी भी हैप्पीनेस है, जो केवल जिंदगी को खुशनुमा तभी रख सकती है जब मुझे अपने जैसा ही कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा। सो मुझे तो अपनी होने वाली बीवी से कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बस चाहिए होगा उनका साथ जो मेरे लिए होगी खास, जो रखेगी मेरे पेरेंट्स का ख्याल और जीते सबका विश्वास, जिसे करूंगा मैं बेशुमार प्यार, उतना ही वो मुझे समझे और करे मुझ पे एतबार। कुछ ऐसी होगी बेमिसाल मेरी बीवी, जो होगी मेरी खास। वाह वाह वाह, कितनी खास बीवी है इनकी और कितनी खास प्यारी प्यारी छोटी छोटी ख्वाहिशों से इन्होंने अपने सपने को और अपनी लाइफ पार्टनर को सजा के रखा हुआ है। वेल डन मिस्टर शिवा। और हाँ, इनके ही जैसे एक और बड़खुदार हैं जिनसे मैंने बात की और उनका क्या कहना है, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए कि कैसे पार्टनर चाहिए उनको, कैसी ड्रीम गर्ल चाहिए, कैसी वाइफ चाहिए उनको। हाय, दिस इज आदित्य। मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही अच्छा हो, मैच्योर हो। मैं उसमें ये क्वालिटी देखना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा साथ दे, ना कि वो मुझे छोड़ कर कहीं और अपनी मस्ती में मस्त हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी बात होती है हमारे बीच में जिंदगी में जिससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वो मिल के सॉल्व हो, ना कि उसे अग्रेसिव मोड देकर, गुस्से का मोड देकर उसे खत्म किया जा सके। मेरा लाइफ पार्टनर तो खूबसूरत तो मानता ही हूँ, साथ के साथ वो थोड़ा मैच्योर हो और उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो मेरे में नहीं है, और अगर वो मेरे जैसी है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी बढ़िया है, क्योंकि उसे मैं मेरी तरह बना सकता हूँ। मतलब इनको चाहिए एक कोरा पेपर जिसपे ये कुछ भी लिख सकते हो, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो और वो कोरा पेपर इनसे कोई भी डिमांड ना करे। चलो भाई, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं अपने अपने पार्टनर्स को लेके, बट द थिंग इज कि क्या वाकई सारे लोग यही चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर है और आपकी उससे कुछ खास उम्मीदें हैं तो भाई जरूर उसके भी आपसे कुछ ना कुछ उम्मीदें तो जरूर होंगी।
और अगर आप उससे कुछ उम्मीद करते हैं तो सीधी सी चीज है कि वो भी आपसे कुछ उम्मीद रखती ही होंगी. सो आप ये गाना एंजॉय करो और सफर यूं ही जारी है इन ऑल इज वेल डिंपल के साथ ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. जल्दी से वापस आइए. बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो, है समा कल हो न हो. हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो.
जो है समा, कल हो ना हो। मैं भी तो वही बोला करती हूँ कि भाई थोड़ी सी जिंदगी में, तीन चार दिन की जिंदगी में कहाँ टेंशन, कहाँ बहस, कहाँ गुस्सा, बस कुछ रखना चाहिए तो बस इतना कि हाँ खुशियाँ और बहुत सारा सब्र। अगर दूसरा बदले में आपको नफरत दे भी रहा है तो इतना प्यार उसको दे दीजिए कि या तो वो खुद शर्मिंदा हो जाए या तो फिर वो कभी भी किसी को वो जहरीला गुस्सा ना देने पाए जिससे आपकी जिंदगी पे इफेक्ट पड़ता है। क्या बात है, दिन पर दिन मैं ना अच्छी अच्छी बातें करती ही जा रही हूँ, करती ही जा रही हूँ। क्या करूँ, आजकल अच्छी लड़कियों का ही तो जमाना है, लड़के पसंद ही ऐसे ही करते हैं, क्या करूँ, करना पड़ता है। वेलकम बैक इन ऑल इज वेल, मैं डिंपल हूँ आपके साथ ऑन रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। और मेरी फ्लाइट जाकर रुकी एक छोरे के पास, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसी पत्नी चाहिए, भाई कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए आपको, तो भैया जी क्या बोलते हैं जरा सुनिएगा। नमस्कार, हमारा नाम रमेश है, हम हमारे लाइफ पार्टनर को बहुत ही उसके बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर जो हो मोटा नहीं हो, पतला सा हो, ज्यादा पतला भी नहीं हो बट ठीक ठीक हो। आजकल मोटे लोगों को कहा है भैया बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ जाना वहाँ जाना, इतना भारी वजन को लेके बीमारी का घर हो जाता है। पतला तो भैया कहीं भी जाके फिट हो जाता है, चला जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि पतले के साथ साथ थोड़ा खूबसूरत हो, खूबसूरत हो भैया, खूबसूरत तो चाहिए ना, बेखा है। अब हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा खूबसूरत हो, थोड़ा समझदार हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा होएगा ना तो थोड़ा हमारे घर के काम में भी हाथ बिठाएगा, और ये है कि घर के काम में से अगर कोई बाहर निकले तो वो नौकरी भी कर सके, थोड़ा हाथ में पैसा आएगा तो दोनों जने मिलकर घर चलाएंगे, अच्छा घर चलेगा। ये हम सोचते हैं कि हर किसी को जो है काम करना चाहिए। आजकल की औरतों को देखो भाई काम नहीं करने देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम काम भी करने देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो भाई इसके बहुत ही अच्छा सोचते हैं कि काम करो, दोनों घर चलाए। हमारा तो भाई ये फैसला है कि हम हमारा जो है वाइल्ड लाइफ पार्टनर ऐसा हो, बस। छोटे से मन में कितनी बड़ी बड़ी बातें, खूबसूरत भी हो, समझदार भी हो, बस ये बस ना, ये बस बस नहीं है, ये पूरा ट्रक और ट्रेन है भाई। ख्वाहिशों की ट्रेन होती है इतनी ज्यादा बड़ी है कि जिसके तार छेड़ दो झनझना के बोलते हैं। कोई नहीं जी, कोई नहीं, सफर जारी है, लौट के आइए इस गाने के बाद, बताती हूँ और भी बहुत सारी बातें। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसे
एक रात है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, सबसे अलग अंदाज तेरे लगते, बेसाखता हम साए से तेरे, हर शाम लिपटते हैं, हर वक्त मेरा कुर्बत में तेरी, जब गुजरे तो इबादत, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा, तेरे लिए वो मरता रहा, तेरे दर्द की आहट सुनी जिसे तुझको वो याद करता रहा, गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा, तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा, आंसू मिले देखा था जो पलकों को भी निचोड़ के तेरी
तुझको वो याद करता रहा. वेलकम बैक एंड ऑल इज वेल. मैं डिंपल हूँ आपके साथ और आप हैं मेरे साथ ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बिल्कुल बहुत सारे सपने, बहुत सारी ख्वाहिशें और बहुत सारी उम्मीद. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाई ये सारी चीजें ही फ्री में है और ये सारी चीजें ही ना जिंदगी को आसान बनाते हुए आगे बढ़ने में मदद भी करती हैं. तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर आपने अपने सपनों का, अपनी खुशी का और अपनी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ा दामन विश्वास का, तो फिर यकीन मानिए खुशियां ही खुशियां आपके चारों तरफ होंगी. भले रास्तों पर कांटे हों, पर यकीन मानिए जिन रास्तों पर कांटे होते हैं ना, गुलाब भी उसी पर मिलते हैं. आई नो बड़ी अच्छी बातें करने लगी हूँ मैं आजकल, बड़ी समझदारी भरी. लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं कि ये दिमाग उतना ही सिरफिरा है जितना कि दुनिया को ये झेल सके. तो भाई अगर आपके भी लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो या फिर हो कोई भी ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप मुझसे. आप मुझे ईमेल कर सकते हैं dimple@radiouran.com पर, या फिर आप मुझे खुले दिल से बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं ऑन माय फेसबुक पेज यानी कि आरजे डिम्पल पर. अरे भाई छोटी सी लाइफ को जरा मुस्कुरा कर जिए. और हाँ, आपको याद दिला दूं कि इस बार तो बात मैंने छोरों की थी, उनकी ड्रीम गर्ल्स की थी. नेक्स्ट वीक मैं ऑपरेशन करने वाली हूँ छोरियों पर. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है और कैसा लाइफ पार्टनर चाहती है वो, तो बिल्कुल नेक्स्ट वीक यानी कि फ्राइडे 8 to 9 PM मैं होंगी आपके साथ इन ऑल इज वेल. तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सारी टेंशन को घोल के जाइए पी, क्योंकि इनको बचाने में थोड़ा टाइम लगता है बॉस. सो गाइज कीप स्माइलिंग, डोंट बी शाय, डिंपल सिंह टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है. मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है. किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल तेरी.